निजी गाड़ी पर बत्ती मनमानी, दुर्व्यवहार जैसे आरोपों के बाद पहली बार बोली आईएएस पूजा खेड़कर। नमस्कार, मैं प्राची रावत, आप देख रहे हैं न्यूज ईट बर्ड, स्पॉन्सर्ड बाय स्विफ्टकॉम कंप्यूटर्स। पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के बीच प्रशिक्षु आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है और महाराष्ट्र के वाशिम में उन्हें जो नई जिम्मेदारी दी गई है वो इसके लिए उत्सुक है। पूजा 2023 बैच की आईएएस हैं, खबरों में हैं, क्योंकि उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने और अनुचित बर्ताव के गंभीर आरोप लगे हैं। अपनी निजी गाड़ी पर सायरन, वीआईपी नंबर प्लेट और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर, इन चीजों के चलते पूजा चर्चा में आई। बाद में तो यहां तक खबर आई कि उन्होंने मुंबई में अपने सीनियर का चैम्बर कब्जा कर लिया, वहां अपने नाम का बोर्ड चस्पा कर दिया था, दफ्तर का फर्नीचर हटा दिया और लेटर बोर्ड मांगने लगी। जूनियर या प्रोबेशनरी आईएएस अफसरों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती। मीडिया रिपोर्टर्स कहती हैं कि उन्हें उनके पिता, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने कथित तौर पर उनकी मांग के लिए सोर्स लगाया था। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई और ट्रेनी आईएएस का तबादला कर दिया गया, उन्हें वाशिम भेजा जा रहा है। आज 11 जुलाई को पूजा ने वाशिम में अपना पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पहली बार मीडिया से बातचीत भी की, जब पूजा खेड़कर ने उनके खिलाफ चल रही चर्चाओं और आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोपों पर बोलने के लिए वो अधिकृत नहीं है। प्रतिक्रिया के लिए जोर डालने पर उन्होंने कहा, सरकारी नियम मुझे इस मामले पर कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए खेद है मैं बोल नहीं सकती। मैं वाशिम जिले में जाने पर बहुत खुश हूँ और यहाँ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इस विवाद में अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की एंट्री हो गई है। पीएमओ ने पुणे क्लस्टर से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सिविल सर्विस के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग देने वाली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी ने भी महाराष्ट्र सरकार से पूजा खेड़कर की रिपोर्ट मांगी। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ीबर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ीबर्ड ऐप।